हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर देखिए, हमारे घर में ना सबका तबीयत खराब है। मेरे बेटे का, बेटी का, मेरा, मेरे मम्मी जी का, मेरी सासू माँ का भी तबीयत खराब है। वो तो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे अभी। यहाँ पर देखिए, मैं अपने बेटे को दवाई खिला रही हूँ। इसे भी बहुत, मतलब कई दिनों से, 3-4 दिन से इसे बुखार हो रहा है। डॉक्टर के पास से दिखा कर भी लाई, दवाई भी खिलाई, दवाई ख़त्म हो जा रहा है, पर इसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ऊपर से मेरा तो 2 दिन पहले ही तबीयत खराब था, और अभी तक दवाई ही खा रही हूँ मैं। और हमारे घर में ना सबका तबीयत खराब हो रखा है, एकदम परेशान हो गए हम लोग। पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ पर देखिए, मैं अपने बेटे को, सुबह का वक्त हो रहा है, तो यहाँ पर इसको दवाई खिला रही हूँ। मेरी बेटी का भी तबीयत खराब है, बेटे का भी है, दोनों का। और कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सबका घर में तबीयत खराब है, सब लोगों का। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था, मेरा पेट में इतना दर्द था, मेरा भी मतलब इतना इंजेक्शन लगा। और अभी तो थोड़ा हल्का सा ठीक हुआ है, अभी भी मतलब है दर्द, लेकिन क्या करें, बच्चे लोग हैं ना, बच्चों लोग को भी देखना पड़ रहा है, और घर में सबका ही तबीयत खराब हो रखा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने बेटे को दवाई खिला के इसे थोड़ा देर के लिए आराम करने के लिए सुला दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए, मेरी बेटी का भी, मैंने बेटी को भी खिलाया है, उसको सुबह ही खिला दिया था, उसका बहुत तेज़ बुखार हो रखा था, तो अभी वो थोड़ी ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, मैं सासू माँ को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। पहले दूसरे वाले हॉस्पिटल में 2 दिन 1 दिन थी, तो वहाँ पर ठीक ही नहीं हुआ था। आज सुबह ही 4 बजे गए हुए हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। तो फिर वहाँ पर एडमिट करके आएंगे, तो हम लोग को भी जाना पड़ेगा। और वहाँ पर मेरी छोटी वाली ननद भी है अभी। यहाँ पर देखिए, मेरा भी दवाई खाने का टाइम हो गया, तो मैं भी दवाई खा लेती हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए, मैं भी दवाई खा ले रही हूँ, क्योंकि मेरा भी दवाई अगर एक टाइम थोड़ा सा लेट हो जा रहा है ना, तो पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लग रहा है। तो अभी खा ले रही हूँ मैं भी। अब खाना तो खाने का एकदम बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, और घर में खाना भी बन रहा है ना, तो कोई खा ही नहीं रहा है। सब लोगों का तबीयत खराब है ना, इस वजह से सब लोग थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। सारा खाना ऐसे ही हमारी गाय खा रही है, कोई भी खा ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने भी दवाई खा लिया है, अब हम लोग थोड़ी देर आराम करूँगी दवाई वाई खा के। इसके बाद जो भी काम है, सब काम हम निपटा के फिर खाना बना के मेरी सासू माँ को वहाँ पर भी लेकर जाना है। तो मैं जाऊँगी, मेरे हस्बैंड, बच्चे लोग भी जाएंगे, क्योंकि बच्चे लोग को तो अकेला छोड़ के जा नहीं सकते, तो इन लोग को भी ले जाना पड़ेगा। मम्मी पापा, अपने बेटे को सुला रही हूँ। ये थोड़ा देर सो लेगा ना, तो इसका बुखार जो है टूट जाएगा, तो इसलिए। और मेरा, मुझे भी नींद ही लग रहा है, तो मैं थोड़ा देर आराम करूँगी। इसके बाद मुझे काम भी करना है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोना है। कई दिनों से तो मैंने कपड़े ही नहीं धोए हैं, बच्चे लोग का, मेरा, मेरे हस्बैंड का, सबका कपड़ा जमा हो रखा है। एक दिन में तो मैं धुल ही नहीं पाऊँगी, तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ धुलना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन मेरा तबीयत ही ख़राब था ना, तो मैंने कपड़ा भी नहीं धोया था, सारे कपड़े वैसे ही जमा पड़ा इधर उधर घर में, मतलब रूम में ना, जहाँ तहाँ कपड़े ही कपड़े बिखरे हुए, बच्चे लोग का कपड़ा, मेरे हस्बैंड का, मेरा। मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है कि मैं सारा काम कर पाऊँ। बस मैं खाना बना रही हूँ, उसमें भी मतलब खाना बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, एकदम तबीयत सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अपने सासू माँ को देखने के लिए खाना लेकर, और निकल गए हैं। और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरे ससुर जी भी जा रहे हैं, हम लोग सब जा रहे हैं। और अभी मैंने दवाई वाई खाया है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए, हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए, नर्सिंग होम है बबिया, यहाँ पर लिखा हुआ है।
हॉस्पिटल में ना आने का मन ही नहीं करता है। हॉस्पिटल में आओ ना तो जैसे लगता है बीमार जैसा अजीब सा लगता है मेरे को। हॉस्पिटल नाम सुनते ही एकदम डर लगने लगता है। यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए। अब ये देखिए मेरी सासू माँ यहाँ पे लाइन लगा। यहाँ पर देखिए मेरा ना एकदम ही बात करने का बोलने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा भी बहुत ही तबीयत खराब है। और हॉस्पिटल में जाने से ना डायरेक्ट वो लोग बोलते हैं भर्ती हो जाने के लिए, तो ऐसे बच्चे लोग को छोड़ के भर्ती भी नहीं हो सकते। मेरा इतना ही तबीयत खराब है ना क्या बताएं आप लोगों को। दवा खा रही हूँ, जब तक दवा खा चल रह रहा है तब तक ठीक हो जा रहा है। फिर उसके बाद फिर से मेरा खांसी बुखार और पेट दर्द बहुत लगता है। ऐसा अजीब सा लग रहा है, सब लोगों का तबीयत खराब हो रहा है। मम्मी जी का बहुत ज़्यादा तबियत कल तो बहुत ज़्यादा ही खराब है। ना मैं आप थोड़ा तबियत ठीक है, पेट में भी दर्द होने लगा है। मेरी मम्मी वाली ननद सीधा अभी फोन ट्रेन से उतर के और सीधा ही यहाँ पे ही आई है, घर नहीं जाएगी, पहले यहाँ पे आएगी, तो वो भी आ ही रही है अभी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी ननद आ गई हैं और ये देखिए बच्चे लोग भी आ गए हैं, सब लोग आ गए यहाँ पे। देखिए मेरी ननद सीधा हॉस्पिटल ही आई हैं, घर में गई है, घर जाएंगी थोड़ा बाद में, पहले यहाँ पे मिलने के लिए आई हैं मम्मी जी से। तो ये मेरी मछली वाली ननद है। अब हम लोग जब तक ये लोग यहाँ पे रुकेंगे ना तो हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हम लोग भी बहुत ही टाइम से यहाँ पे आए हुए हैं, दो तीन घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए। तो गाड़ी में जो आए थे ना हम लोग, तो गाड़ी यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि सब लोग आएंगे।